नमस्कार, मैं हूँ हिमाश्री। कुक विद हिमाश्री में आपका स्वागत है। अगर आप रोज रोज रोटी सब्जी खाने से हो गए हैं तंग, तो चलिए कुछ नया ट्राई करें मेरे संग। और इसीलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पनीर रैप। और इसे बनाना बहुत ही आसान है और यकीन मानिए आपके घर में सभी बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए देख लेते हैं इसकी रेसिपी। ये सबसे पहले हम पनीर की एक बहुत ही चटपटी सी फिलिंग तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन गरम कर लिया है और उसमें हम डाल देंगे 2 छोटे चम्मच रिफाइंड ऑयल। इसके थोड़ा गरम होते ही हम इसमें डाल देंगे सबसे पहले 7 से 8 लहसुन की कलियां, जिसे कि मैंने बिल्कुल ही बारीक काट लिया है। और इसे हमें हाई फ्लेम पर ही बनाना है। इसे 2 मिनट हम सौटे करेंगे। उसके बाद हम इसमें 2 मीडियम साइज के प्याज, जिसे कि मैंने बिल्कुल ही बारीक काट लिया है, उसे डाल देंगे। और इसे हम 1 मिनट तक अच्छे से चला लेंगे। इसके साथ ही हम डाल देंगे कटे हुए शिमला मिर्च, जिसे कि मैंने बहुत ही बारीक काट लिया है और इसे भी मैंने 2 ही मीडियम साइज का लिया है। और इसे भी हमें बिल्कुल ही फुल फ्लेम पर अच्छे से चलाना है। और इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से चलाने के बाद ही हम बाकी सारे चीज़ों को इसमें मिक्स करेंगे। पनीर की सब्जी में हमें प्याज और कैप्सिकम का जो रेशो है बिल्कुल ही बराबर रखना है। इसे फ्राई करते हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है और मैंने इसे पूरे फुल फ्लेम पर ही फ्राई किया है। अब हम इसके फ्लेम को लो पे रख लेंगे और इसमें बाकी इन्ग्रीडियंट को डाल देंगे। सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून सोया सॉस, 1/2 टीस्पून ग्रीन चिली सॉस, 1/2 टीस्पून रेड चिली सॉस, 1 टेबल स्पून टोमेटो केचप और 1 टेबल स्पून हम इसमें डाल देंगे शिजवान चटनी, जिससे कि इसमें एक बहुत ही अच्छी चटपटी सी टेस्ट आ जाएगी। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसमें पनीर को डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है और इसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिए हैं। और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके फ्लेम को बढ़ाकर इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अगर आप चाहे तो इसमें आप स्प्रिंग अनियन भी डाल सकते हैं, पर ये ऑप्शनल है। इन सॉस को डालने के कारण मैंने इसमें कोई भी मिर्च पाउडर या हरी मिर्च नहीं डाला है। अगर आप चाहे तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसमें डाल सकते हैं। और आपने देखा कि मैंने इसमें नमक भी नहीं डाला है, क्योंकि इन सब सॉस में बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक होता है, इसलिए मैंने इसमें नमक बिल्कुल भी नहीं डाला है और ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसे सर्विंग बोल में उतार लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर बना लेंगे बर्गर सॉस। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 बड़े चम्मच वेज मायो और 1 चम्मच टोमेटो सॉस। इन दोनों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा बर्गर सॉस बनकर तैयार है। पनीर रैप बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक टॉर्टिया लिया है, जिसे कि मैंने घर पर ही बनाया है और इसका वीडियो मैंने पहले अपलोड किया है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो सबसे पहले हमें इसे इस तरह से फोल्ड करना है और उसके बाद हमें इसे दूसरी बार इसे ऐसा ही फोल्ड करना है, जिससे कि इसमें एक लाइन आ जाए। अब हम इसे इस तरह से खोल लेंगे और बीच से हम इसे काट लेंगे, जिससे कि हमें इसे मोड़ने में आसानी हो। अब हम इसके एक साइड में
बर्गर सॉस लगाएंगे और इसके दूसरी तरफ हम सैलेड रखेंगे। सैलेड में मैंने प्याज, टमाटर, कुकुम्बर इन सबको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और इसमें मैंने नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा नींबू का रस डालकर इसे बनाया है, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाती है। और तीसरे साइड में हम रखेंगे ग्रेटेड चीज़। आप चीज़ स्लाइस, चीज़ सॉस कुछ भी अपने पसंद के अनुसार रख सकते हैं। और आखिरी में हम इसमें रखेंगे पनीर स्टफिंग, जिसे कि मैंने बनाया है। और अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। सबसे पहले हम इसे पहले ऐसे मोड़ेंगे, उसके बाद इसे इस तरह से फोल्ड करना है और थोड़ा सा प्रेस करेंगे। लास्ट में हम इसे इसके ऊपर इस तरह से रखकर इसे अच्छे से प्रेस कर देंगे। मैं आपको एक और भी बनाकर दिखा देती हूँ। इसे तवे पर रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने तवे को गरम कर लिया है, उसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा बटर। आप चाहे तो इसमें रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। इसके थोड़ा सा मेल्ट होने के बाद ही हम इसमें रैप को रखकर उसे थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। इसे हमें इस तरह से रखेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर थोड़ी देर तक रोस्ट होने देंगे, जिससे कि इसके अंदर का जो चीज है वो भी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। अब हम इसे पलट लेंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें कितना अच्छा सा कलर आ चुका है। इसी तरह से हमें दूसरे साइड भी इसे इतना ही रोस्ट करना है। अब हम इस साइड भी देख लेते हैं। वाओ, ये पूरी तरह से बनकर तैयार है। अब हम इसे उतार लेंगे। हमारा पनीर रैप बनकर पूरी तरह से तैयार है। आप देख सकते हैं कि इसमें चीज कितनी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो आप इसे ज़रूर बनाइए और अपने कमेंट मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए।